साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे हिस्टा फ्री एम टैबलेट। साथियों हिस्टा फ्री एम टैबलेट एक कॉम्बिनेशन टैबलेट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन हिस्टा फ्री एम टैबलेट है क्या, साथ ही साथ इसके बेस्ट कंपोजिशन की बात करेंगे, यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे, साइड इफेक्ट क्या है, कंट्राइंडिकेशन एंड हाउ टू वर्क हिस्टा फ्री एम टैबलेट इन द बॉडी, इंट्रैक्शन डोजेस एंड MRP की बात करेंगे। साथियों हिस्टा फ्री एम जो है एक कॉम्बिनेशन टैबलेट है जिसमें मोंटिल्यूका सोडियम 10 mg मिला है एंड फेक्सोफेनाडीन हाइड्रोक्लोराइड IV 120 mg इसके अंदर मिला है। कहने का मतलब है फेक्सोफेनाडीन और मोंटिल्यूका दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन है एंड इट इज यूज टू मैनेज द सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। साथियों एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है, जहाँ पे शब्द लग जाता है उसमें सर्दी, जुखाम, खांसी, साथ ही साथ क्या होता है छींकना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। जैसे रनिंग नोज, नाक बह रही है, मौसम चेंज हुआ है, ठंडी और गर्मी लग गई है या ठंड का टाइम है, जुखाम बहुत तेज हो जाता है, छींकते छींकते नाक लाल हो जाता है, गाल लाल हो जाते हैं, आंखों से पानी आने लगता है, कहने का मतलब वाटरी आइज हो जाती हैं, स्टफी नोज हो जाता है एंड ब्लॉकेज इन एयरवेज हो जाता है, स्नीजिंग, इचिंग, नाक के अंदर खुजली बहुत होती है, गले में खराश हो जाती है, इचिंग होती है, वाटरी आइज हो जाती हैं या फिर अदर एलर्जिक सिम्टम्स हो जाते हैं, तो ऐसे केस में हिस्टा फ्री एम टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोड्यूसिंग द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। जो एलर्जी होती है वो जो है रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर देती है, जो सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स होते हैं उनको ये ब्लॉक कर देता है। साथियों हिस्टा फ्री एम टैबलेट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, कहने का मतलब है जो मोंटिल्यूकास्ट एंड फेक्सोफेनाडीन का कॉम्बिनेशन है हिस्टा फ्री के नाम से, टैबलेट फॉर्म में भी आता है और बहुत से सेम कॉम्बिनेशन बहुत सी अदर फार्मा कंपनियां जो सीरप सस्पेंशन भी बनाती हैं बच्चों के लिए एंड च्यूएबल टैबलेट भी मार्केट में आती है। साथियों अभी जो हम बात कर रहे हैं हिस्टा फ्री एम टैबलेट जो है टैबलेट की बात कर रहे हैं, ये एक मैनकाइंड की डिवीजन है। साथियों ये देखिए लिखा है डिस्कवरी मैनकाइंड का ये प्रोडक्ट है, उसकी हम बात कर रहे हैं। साथियों कंपोजिशन की बात करेंगे तो जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया है फेक्सोफेनाडीन हाइड्रोक्लोराइड IP 120 mg मिला है एंड मोंटिल्यूका सोडियम 10 mg इसके अंदर मिला है। साथियों यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे तो जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया है एलर्जिक राइनाइटिस हो जाता है जिसमें क्या होता है कि रनिंग नोज होता है, वाटरी आइज हो जाती हैं एंड स्टफी नोज हो जाती है, ब्लॉकेज इन एयरवेज, स्नीजिंग होती है, इचिंग होती है और जो है क्या होता है कि अदर एलर्जिक रिएक्शन है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ ये क्या होता है साथियों अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा दवाई है, डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं, हे फीवर हो जाता है उसमें इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है एंड ईयर अराउंड एलर्जी। साथियों ईयर अराउंड एलर्जी क्या होता है कि जैसे मौसम चेंज होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, तो ऐसे केस में इसको जो है क्या कहते हैं कि हिस्टा फ्री एम टैबलेट इस्तेमाल करते हैं। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है और जो कंजेशन हो जाता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथियों हिस्टा फ्री एम टैबलेट बहुत ही उपयोगी और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। साथियों साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो जब भी इस्तेमाल करते हैं कुछ क्षणिक साइड इफेक्ट हैं, जैसे इसको खाने से किसी मरीज को हेडेक होने लगता है, डिजनेस हो जाता है, नोजिया हो जाती है, वोमिटिंग होने लगती है, स्टमक पेन होता है और खाना डाइजेस्ट नहीं होता कभी कभार, ऐसे लक्षण देखने को मिले हैं पर ये क्षणिक होते हैं। साथियों कंट्राइंडिकेशन की बात करेंगे तो जब भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास अगर आप जाते हैं, अगर आप पहले से कोई दवा खा रहे हैं या कोई बीमारी है तुरंत बताएं ताकि डॉक्टर या फार्मासिस्ट अपने हिसाब से दवाई को प्रिस्क्राइब कर सके। जैसे कि पहले आपने अगर कभी मोंटिल्यूका फेक्सोफेनाडीन टैबलेट का कॉम्बिनेशन खाया और उससे आप एलर्जिक हैं तो इस दवाई का सेवन ना करें, क्योंकि इस कंपोजिशन की दवा आप खाएं उससे एलर्जिक हैं तो ये कंट्राइंडिकेशन है, इसका उपयोग ना करें। साथियों इंट्रैक्शन की बात करेंगे तो साथियों
एंटीबायोटिक्स के साथ बहुत इंट्रैक्शन होता है, तो इसीलिए जब भी फार्मासिस्ट या डॉक्टर के पास जाते हैं अगर कोई दवा खाएं तुरंत बताएं, जैसे कि रिफैम्पसिन। रिफैम्पसिन एक ट्यूबरक्लोसिस एंटीबायोटिक है, अगर इसको किसी मरीज को चलती है तो उसमें हिस्टाफ्री टैबलेट नहीं चलेगी। एरिथ्रोमाइसिन है, उसमें नहीं चलेगी। और जो फिनटोइन है, एक्टोइन है, उसमें नहीं चलेगी। कीटोकोनाजोल एंटीफंगल, उसमें इस दवाई का सेवन नहीं होगा। एंड फिनोबार्बिट्यूरेट, उसमें नहीं इसका उपयोग होगा। साथियों डोजेस की बात करेंगे तो साथियों एडल्ट में जो इसका डोज है, कहने का मतलब है 60 mg ट्वाइस ए डे। कहने का मतलब ये 120 mg की अगर टैबलेट हमारे पास है तो दिन में एक गोली वंस ए डे, रात में या शाम को खाने से क्या होगा कि सडेशन नहीं होगा। इसलिए मोस्टली जो है डॉक्टर जो इसका डोज रिकमेंड करते हैं वंस ए डे गोली खाई जाती है, और जो है क्या होता है कि शाम को ही खाते हैं। अदरवाइज इसका डोज जो है बीमारी, वेट और एज पे निर्भर करता है, तो कभी कभार इसको बीडी भी लिखा जा सकता है, बशर्ते डॉक्टर इसका डोज डिसाइड करते हैं। नहीं तो एक टैबलेट एक दिन में खाई जाती है, वो भी शाम को या रात के टाइम खा सकते हैं। साथियों बच्चों में जो है 6 से 11 साल है, उसमें क्या है कि मतलब डॉक्टर अपने हिसाब से डोज एडजस्ट करते हैं, अदरवाइज इसका सस्पेंशन भी आता है, तो सस्पेंशन 5 ml जो है वंस ए डे दिया जा सकता है। इंट्रैक्शन की बात करेंगे, जैसा कि अभी हमने बताया साथियों कि जो एंटी एपिलेप्टिक दवा है उसके साथ भी इसके इंट्रैक्शन होने के चांस हो जाते हैं साथियों। और ये वर्क कैसे करता है बॉडी में, कहने का मतलब है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है साथियों उसके बारे में। साथियों जो इसमें मोंटिल्यूकास्ट और फेक्सोफेनाडीन मिला है, ये कॉम्बिनेशन टैबलेट है। इसका जो काम है वो एलर्जीज को रोकना और राइनाइटिस में जो है एलर्जिक राइनाइटिस जो सिम्टम है उनको ठीक करने की ये दवा है। साथियों जो इसमें मोंटिल्यूकास्ट मिला है वो एक तरह का ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट है, जो कि इट वर्क्स बाई ब्लॉकिंग दी केमिकल मैसेंजर्स कॉल्ड ल्यूकोट्रिन। ल्यूकोट्रिन जो है केमिकल मैसेंजर्स होता है, उसको ये ब्लॉक कर देता है। और ये क्या करता है, जो इन्फ्लामेशन होती है, स्वेलिंग होती है, उसको रिड्यूस कर देता है, और जो बॉडी के अंदर गले में या फेफड़े के अंदर एयरवेज होते हैं उसको खोलने का काम करता है। साथ ही साथ नोज को जो है, नोज के सिम्टम्स जो होते हैं उसको इम्प्रूव करता है। साथ ही जो फेक्सोफेनाडीन है वो एक एंटी एलर्जिक विच ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ अनदर केमिकल मैसेंजर्स लाइक हिस्टामाइन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर रनिंग नोज एंड वाटरी आइज और स्नीजिंग। कहने का मतलब है राइनाइटिस जो हो जाती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से साथियों ये बॉडी में वर्क करता है। साथियों हिस्टामाइन एम टैबलेट सभी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी साथियों। 139 रुपीज इसकी MRP है फॉर 10 टैबलेट। साथियों ये डिस्कवरी मैनकाइंड, एक मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल की दिल्ली की कंपनी है, उसकी डिवीजन है डिस्कवरी मैनकाइंड, उसका ये प्रोडक्ट है साथियों। तो साथियों इसी के साथ विराम लेंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।